नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स रिवीजन फॉर प्रीलिम 2020 में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जुलाई महीने के मिसलेनियस करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे और मिसलेनियस करंट अफेयर्स के रिवीजन का ये हमारा 14th लेक्चर है। डिस्कशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल चक्कर डी कोव के बारे में है। ये क्या है? देखो, IIT दिल्ली के एक स्टार्टअप कंपनी ने N95 मास्क को डीकंटामिनेट करने के लिए, डिसइंफेक्ट करने के लिए, ताकि फिर से N95 मास्क का इस्तेमाल किया जा सके, ये इक्विपमेंट बनाया है जिसका नाम रखा गया है चक्र इनोवेशन। देखो, इस डिवाइस के द्वारा, इस इक्विपमेंट के द्वारा ओजोन का सारा लिया जाएगा। N95 मास्क जिसका इस्तेमाल हो चुका है उसे डिसइंफेक्ट करने के लिए, और 90 मिनट्स के अंदर उस यूज किए गए N95 मास्क को डिसइंफेक्ट किया जा सकेगा इस चक्र इनोवेशन के द्वारा। ओजोन देखो एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ओजोन क्या करता है? वायरस को डिस्ट्रॉय कर देता है। वायरस की जो प्रोटीन कोटिंग होती है उसके अंदर डिफ्यूज करके इससे वायरस का जो वायरल आरएनए है वो डैमेज हो जाता है और वायरस डिस्ट्रॉय हो जाता है। ओजोन गैस की जो पेनिट्रेटिंग पावर है काफ़ी ज़्यादा हाई है, और इसकी सहायता से N95 मास्क की जो इंट्रिकेट लेयर्स हैं वो भी कंप्लीटली डीकंटामिनेट की जा सकती हैं। चलते हैं आगे। आजकल क्रोजर के बारे में है। गवर्नमेंट ने देखो दुनिया की मोस्ट अफोर्डेबल COVID-19 डायग्नोस्टिक किट लॉन्च की है जिसका नाम है क्रोजर। इससे पता लग सकता है COVID-19 हुआ है किसी पर्सन को या फिर नहीं हुआ है। इसको वैसे देखो डेवलप तो IIT दिल्ली के द्वारा किया गया था, बट कॉमर्शियल लाइसेंस लिया गया है न्यू टेक मेडिकल डिवाइसेस के द्वारा। अब इस कंपनी का कहना है अगले महीने तक 20 लाख क्रोजर डायग्नोस्टिक किट हम मैन्युफैक्चर कर देंगे। ये बहुत सस्ती है। कितनी कीमत है इस टेस्ट की? सिर्फ 400 रुपये। इसको अब ICMR एंड DCGI का अप्रूवल मिल गया है। इफेक्टिवनेस भी अच्छी है, तो हमारी जो COVID-19 के खिलाफ लड़ाई है वो और ज़्यादा मजबूत होगी इस नई डायग्नोस्टिक किट की सहायता से जिसका नाम है क्रोजर। नेक्स्ट आर्टिकल एलिमेंट्स के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? हाल ही में वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा इस ऐप को लॉन्च किया गया। देखो ये सोशल मीडिया ऐप है। आपको पता है आजकल हमारे देश में आत्मनिर्भरता पे यानी सेल्फ रिलायंस पर काफ़ी ज़्यादा फोकस है। इवन प्रधानमंत्री मोदी ने भी ये आह्वान किया कि जो फेसबुक व्हाट्सएप जैसी एप्लीकेशंस हैं ये भी हमारे देश के युवा डेवलप करें। तो अब सुमेरु सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस के द्वारा ये एप्लीकेशन लॉन्च की गई है एलिमेंट्स। ये एप्लीकेशन फेसबुक और व्हाट्सएप का विकल्प के रूप में इमर्ज हो रही है काफ़ी तेज़ी से। अब फीचर्स क्या हैं इसके बारे में तो UPSC नहीं पूछने वाली है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल ऑपरेशन ग्रीन स्कीम की एक्सटेंशन के बारे में है। कंटेस्ट की बात हम बाद में करेंगे, पहले ऑपरेशन ग्रीन स्कीम के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो 2018-2019 के बजट में ऑपरेशन ग्रीन स्कीम को लॉन्च किया गया था। मकसद क्या था? 3 कमोडिटीज, टमाटर, प्याज और आलू, इनकी देखो इंडियन फूड में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। बट काफ़ी बार ऐसा देखने को मिलता है किसी सीजन में इनकी अवेलेबिलिटी एकदम से बढ़ जाती है, तो किसानों को डिस्ट्रेस सेल करनी पड़ती है। प्याज के दाम 1 रुपये, आलू 2 रुपये, इस प्रकार की सिचुएशन आ जाती है। इससे किसानों को बहुत नुकसान होता है, और कई बार ऐसा भी होता है आलू प्याज टमाटर के जो दाम हैं वो आसमान छूने लगते हैं। इवन रूलिंग पार्टी इलेक्शन हारने के कगार पर आ जाती है प्याज के दाम बढ़ने की वजह से। खैर, इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए सरकार ने ये स्कीम चलाई थी ऑपरेशन ग्रीन स्कीम, ताकि पूरे साल आलू प्याज और टमाटर की स्टेबल सप्लाई को इंश्योर किया जा सके। मतलब ना तो बहुत ज़्यादा ये अवेलेबल हो मार्केट में, ना ही बहुत कम अवेलेबल हो। ये कैसे पॉसिबल होगा? ये तो देखो तब पॉसिबल होगा ना अगर देश के किसी हिस्से में आलू प्याज टमाटर ज़्यादा हैं तो उनको ट्रांसपोर्ट किया जाए उस हिस्से में जहाँ पर इनकी अवेलेबिलिटी कम है, या फिर अगर आलू प्याज और टमाटर बहुत ज़्यादा आ गए हैं मार्केट में
तो उनको स्टोर करने के लिए फैसिलिटीज अवेलेबल होनी चाहिए, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज, ताकि कुछ समय के लिए इन्हें स्टोर करके रखा जा सके। ये तो देखो कोल्ड स्टोरेज में ही पॉसिबल होगा ना, अदरवाइज तो पेरिसेबल आइटम्स हैं ये, खराब हो जाएंगे। तो ऑपरेशन ग्रीन स्कीम में फूड प्रोसेसर्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, इंडिविजुअल फार्मर्स, एक्सपोर्टर्स, स्टेट मार्केटिंग कोऑपरेटिव फेडरेशंस, इन सब को सब्सिडी दी जाती है। सब्सिडी ट्रांसपोर्ट के लिए दी जाती है, सब्सिडी लॉजिस्टिक्स के लिए दी जाती है, और स्टोरेज फैसिलिटीज को हायर करने के लिए दी जाती है। तो ये हमने ऑपरेशन ग्रीन के बारे में बेसिक जानकारी डिस्कस की। अब देखो हुआ क्या है, लॉकडाउन की वजह से ना सिर्फ आलू, प्याज, टमाटर, बल्कि दूसरे काफ़ी सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो पेरिसेबल आइटम हैं कोल्ड स्टोरेज के अभाव में जो जल्दी से ख़राब हो जाते हैं, उनके लिए भी इस स्कीम को सरकार के द्वारा एक्सटेंड कर दिया गया है। समझ गए, मैं फिर से बोलता हूँ, पहले ऑपरेशन ग्रीन स्कीम सिर्फ आलू, प्याज, टमाटर के लिए थी, अब सभी पेरिसेबल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के लिए सरकार ने ये स्कीम एक्सटेंड कर दी है। लेकिन हमेशा के लिए नहीं, अभी सरकार ने कहा है हम 6 महीने के लिए ये स्कीम बाकी सभी पेरिसेबल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के लिए एक्सटेंड कर रहे हैं। एलिजिबल एंटिटीज ये सब हैं जो हम डिस्कस कर ही चुके हैं, 50% सब्सिडी देगी। अच्छा आप एक बात बताइए, कौन सी मिनिस्ट्री की ये स्कीम है ऑपरेशन ग्रीन? मिनिस्ट्री का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज। तो ये मिनिस्ट्री जो है 50% सब्सिडी देगी दो कंपोनेंट्स के लिए, या तो एलिजिबल क्रॉप्स के लिए ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी अवेल की जाती है, या फिर स्टोरेज फैसिलिटी को हायर किया जाता है। चलते हैं आगे, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स के बारे में है। ये देखो इंडेक्स इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये एक प्राइवेट कंपनी के द्वारा रिलीज किया जाता है जिसका नाम है JLL & LaSalle। ये एक ग्लोबल रियल एस्टेट सर्विसेज कंपनी है। देखो अगर कोई इंडेक्स या फिर रिपोर्ट गवर्नमेंट के द्वारा रिलीज की जाती है, या किसी इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज की जाती है, फॉर एग्जांपल UN, IMF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वो इंडेक्सेस ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। बेसिक जानकारी डिस्कस करें इस इंडेक्स के बारे में, टोटल 99 देशों को रैंकिंग दी गई है इस इंडेक्स में, और 163 सिटीज़ को रैंकिंग दी गई है। कौन से पैरामीटर्स के आधार पर? इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस, मार्केट फंडामेंटल्स, गवर्नेंस ऑफ लिस्टेड व्हीकल्स, रेगुलेटरी एंड लीगल इन्वायरमेंट, ट्रांजैक्शन प्रोसेस एंड सस्टेनेबिलिटी। देखो विभिन्न देशों की या फिर विभिन्न सिटीज़ की रियल एस्टेट मार्केट में कितनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी है, इस आधार पर विभिन्न देशों को रैंकिंग दी गई है इस इंडेक्स में, इन सब पैरामीटर्स के आधार पर। टॉप रैंकर्स की बात करें, UK को टॉप स्थान प्राप्त हुआ है, उसके बाद USA को, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को। इंडिया को 34वां स्थान मिला है इस इंडेक्स में 2018 में, यानी 2 साल पहले इंडिया का स्थान 35वां था। इतना इम्पोर्टेंट इंडेक्स नहीं है। चलते हैं आगे, अगला आर्टिकल गोधन न्याय योजना के बारे में है। छत्तीसगढ़ की सरकार ने ये योजना चलाई है। इस योजना में सरकार किसानों से, यानी लाइव स्टॉक ओनर से, 2 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से गाय का गोबर खरीदेगी। इससे एक तो देखो किसानों को पैसा मिलेगा, सरकार को ये फायदा होगा, सरकार गोबर खरीद के इसकी प्रोसेसिंग करेगी, वर्मी कंपोस्टिंग की जाएगी। वर्मी कंपोस्टिंग में क्या होता है, अर्थवॉर्म्स की सहायता से, यानी केंचुओं की सहायता से, ऑर्गेनिक मटेरियल की कंपोस्टिंग की जाती है, और इसे इस्तेमाल किया जा सकता है खेतों में खाद के तौर पर। सरकार भी यही करेगी, किसानों से 2 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से गाय का गोबर खरीद लेगी, इसकी वर्मी कंपोस्टिंग की जाएगी, और इसे बेचा जाएगा फिर से किसानों को 8 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग भी इससे प्रमोट होगी, किसान फर्टिलाइजर्स नहीं खरीदेंगे, केमिकल्स का कम इस्तेमाल होगा खेतों में। बाद नेक्स्ट हमारा आर्टिकल हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। क्या कंटेस्ट है? हिमाचल प्रदेश देखो पहला देश का ऐसा राज्य बन गया है जहां पर अब 100% LPG कनेक्शंस हैं। वैसे तो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम थी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिसमें रूरल एरियाज की महिलाओं को फ्री ऑफ कॉस्ट LPG कनेक्शन दिया जाता है। सेंटर की इस स्कीम के बावजूद कुछ लोग छूटे हुए थे, वो अभी भी LPG कनेक्शन का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे।
तो स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी स्कीम चला दी, हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना। इस योजना ने बचे हुए लोगों को भी कवर किया, अब वो भी एलपीजी कनेक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं। स्टेट में अब सभी फैमिलीज एलपीजी कनेक्शन का इस्तेमाल कर रही हैं। हिमाचल प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बना है। नेक्स्ट आर्टिकल इनॉग्रेशन ऑफ 6 स्ट्रेटेजिक ब्रिजेस के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने जम्मू एंड कश्मीर में 6 स्ट्रेटेजिक ब्रिजेस को इनॉग्रेट किया। देखो, आज के टाइम में इस प्रकार के बहुत से स्ट्रेटेजिक जो ब्रिजेस हैं उनका निर्माण किया जा रहा है बीआरओ के द्वारा। तो यूपीएससी इनमें से कोई उठा के क्वेश्चन पूछे उसकी संभावना कम है। क्वेश्चन देखो यूपीएससी तब फ्रेम करेगी अगर कोई ब्रिज वाकई में काफ़ी ज़्यादा यूनिक है अपने फीचर्स के लिए, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेटेजिक है, बाकी नॉर्मल ब्रिजेस से बहुत ज़्यादा अलग हैं, तब क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना हो जाती है। अदरवाइज तो देखो ऑलमोस्ट हर एक 10-15 दिन में इस प्रकार की खबर आती है कि बीआरओ ने किसी ब्रिज का निर्माण किया और काफ़ी बार हम उसे डिस्कस भी करते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंस के बारे में अब मैंने आपको बता दिया कि यूपीएससी तब पूछेगी वाकई में फीचर्स काफ़ी ज़्यादा यूनिक हैं और स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। जैसे देखो 2014 में यूपीएससी ने नेशनल हाईवेज के बारे में क्वेश्चन पूछा था। आमतौर पे नेशनल हाईवेज के बारे में यूपीएससी क्वेश्चन कम पूछती है, एसएससी टाइप में क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन यूपीएससी ने जो नेशनल हाईवेज पूछे थे वो सारे स्ट्रेटेजिक थे, वो बॉर्डर एरिया से संबंधित नेशनल हाईवेज थे। तो ये जो 6 स्ट्रेटेजिक ब्रिजेस का इनॉग्रेशन हुआ है, इनमें से 2 तो देखो कठुआ डिस्ट्रिक्ट में तरना नाला के ऊपर हैं और बाकी 4 अखनूर पालनवाला रोड पर हैं, अखनूर और जम्मू डिस्ट्रिक्ट में। इनकी जो लेंथ है ब्रिजेस की 30 से लेकर 300 मीटर के बीच है और टोटल कॉस्ट आई है 43 करोड़। इनको डेवलप किया गया है बीआरओ के द्वारा प्रोजेक्ट संपर्क के अंतर्गत। इसके अलावा देखो हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में सुबानसरी रिवर के ऊपर डेपोरिजो में एक और स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट ब्रिज का इनॉग्रेशन हुआ था। फायदा क्या होता है इन ब्रिजेस के इनॉग्रेशन से? देखो हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनकी मूवमेंट ना आसान हो जाती है बॉर्डर एरियाज तक, और दूसरा एरिया की जो इकोनमी है वो भी बूस्ट होती है क्योंकि लोगों का भी तो आवागमन आसान हो जाता है ना। तो ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया, चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल इंडिया आइडियाज समिट 2020 के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? ये समिट 22 जुलाई 2020 को ऑर्गेनाइज हुआ। इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने पार्टिसिपेट किया और अपनी स्पीच दी। इस इंडिया आइडिया समिट को होस्ट किया गया था यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के द्वारा। इसमें इंडिया और यूएस के टॉप गवर्नमेंट पॉलिसी मेकर्स, स्टेट लेवल ऑफिशियल्स, बिजनेस और सोसाइटी के लीडर्स ने पार्टिसिपेट किया। देखो ये जो काउंसिल है यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल, इस काउंसिल को बने 45 साल पूरे हो चुके हैं। इस मौके पर ये समिट ऑर्गेनाइज किया गया। थीम इस समिट की बिल्डिंग ए बेटर फ्यूचर। सिग्निफिकेंस क्या है इस समिट में? देखो इंडिया यूएस कोऑपरेशन से संबंधित चीजें डिस्कस हुई। इसके अलावा दोनों देशों के बीच रिलेशन कैसे होगा कोविड-19 के इरा के बाद, मतलब इस महामारी के खत्म होने के बाद, इन सब इश्यूज पर भी डिस्कशन हुई। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया के फर्स्ट प्लाज्मा बैंक के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? दिल्ली सरकार ने कोविड-19 के पेशेंट्स के इलाज करने के लिए नेशनल कैपिटल में पहला प्लाज्मा बैंक इस्टाब्लिश किया। ये हमारे देश का पहला प्लाज्मा बैंक है। इसे दिल्ली सरकार के द्वारा रन किया जा रहा है। इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बिलियरी साइंस में सेटअप किया गया। ये प्लाज्मा बैंक गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हों, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हों, दोनों हॉस्पिटल्स में मौजूद पेशेंट्स को प्लाज्मा प्रोवाइड करेगा। थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन देखो, प्लाज्मा डोनेशन में क्या होता है? सिर्फ प्लाज्मा एक्सट्रैक्ट किया जाता है। मैं आपको बताऊं, ब्लड में देखो काफ़ी सारे कंपोनेंट होते हैं। मान लीजिए ब्लड है, ब्लड में तो RBC होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं, WBC यानी वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, प्लाज्मा होता है। तो सिर्फ प्लाज्मा को ही एक्सट्रैक्ट किया जाता है और बाकी सब चीज़ें जैसे RBC, WBC, प्लेटलेट्स, ये सब उसी समय बॉडी में रिटर्न कर दी जाती हैं। तो इसी वजह से
हर 2 हफ्ते में 1% 500 ml प्लाज्मा डोनेट कर सकता है, लेकिन ब्लड डोनेट करना चाहिए सिर्फ 3 महीने में एक बार। डॉक्टर मना कर देते हैं, अगर पिछले 3 महीने में एक बार भी किसी ने ब्लड डोनेट किया हो तो उसको ये एडवाइस नहीं दी जाती कि आप दोबारा से ब्लड डोनेट कीजिए, 3 महीने के बाद एडवाइस दी जाती है। लेकिन प्लाज्मा 2 हफ्ते के बाद पर्सन फिर से डोनेट कर सकता है। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल तो कारगिल विजय दिवस के बारे में है। 1999 के बाद से ही हर साल 26 जुलाई का जो दिन है वो कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसकी याद में? हमारे सोल्जर्स जो शहीद हुए, जिन्होंने सुप्रीम सेक्रीफाइस किया कारगिल सेक्टर में, जिन पोस्ट पर मिलिटेंट्स और पाकिस्तान के ट्रूप्स ने कब्जा कर लिया था, उनको उनके कब्जे से छुड़वाने में। देखो, इनफिल्ट्रेटर्स चाहते थे कि लद्दाख को कश्मीर से कट कर दिया जाए और इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को मजबूर किया जाए सियाचिन ग्लेशियर छोड़ने के लिए, लेकिन इनफिल्ट्रेटर्स के मंसूबों को हमने नाकाम कर दिया। इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन विजय चलाया था, जबकि इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशन लॉन्च किया था ऑपरेशन सेफ सागर। पहली बार इंडियन एयरफोर्स ने 32,000 फीट की ऊंचाई पर ऑपरेशंस चलाए। कारगिल वार में हमारे 527 जवान शहीद हुए। 26 जुलाई 1999 को ये वार ख़त्म हो गया और सारे इन्फिल्ट्रेटर्स पाकिस्तान में भाग गए। तब से लेके अभी तक 26 जुलाई का जो दिन है कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला आर्टिकल हमारा लाइफास ऐप से रिलेटेड है। इसको कवच मतलब कि CAWACHK नहीं है, ध्यान रखना, सेंटर फॉर ऑगमेंटिंग वॉर विद COVID-19 हेल्थ क्राइसिस। कवच, इसने बैंगलोर बेस्ड एक स्टार्टअप कंपनी थी एक्यूली लैब्स, अब इतना नाम वाम तो याद करना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इन्होंने एक लाइफास कोविड स्कोर के नाम से एक प्रोफाइल एक्सेस करने के लिए, मतलब जिसको कोविड है नहीं है और अगर है तो कितनी इंप्रूवमेंट हो रही है, इन सभी चीज को एक्सेस करने के लिए, प्रोफाइलिंग या स्क्रीनिंग करने के लिए इन्होंने एक एप्लीकेशन का निर्माण किया है जिसका नाम है लाइफास। लाइफास के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेते हैं। ये इंटरेस्टिंग इसलिए है ना क्योंकि ये एक ऐसे डिवाइस का यूज कर रहा है जो कि हमारे आपके सभी के जेबों में होता है, मोबाइल फोन। आपको करना कुछ नहीं है, बस अपनी इंडेक्स फिंगर निकालनी है बाहर और उसको प्लेस करना है अपने पीछे वाले कैमरा, मतलब जो आपके मोबाइल का रियर कैमरा है उसके ऊपर 5 मिनट तक अपनी इंडेक्स फिंगर को रखना है। वो वहां से कुछ डिटेक्ट करेगा, इंडेक्स फिंगर में जो भी पल्स वगैरह होगी उसको डिटेक्ट करके कैपिलरी पल्स, आपका ब्लड वॉल्यूम में कितना चेंज हो रहा है, ये सारी चीजें आपको बता देगा वो। तो इससे होगा क्या कि जो भी क्वारंटीन्ड लोग हैं वो अपनी स्क्रीनिंग खुद में खुद कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं कि कुछ सुधार हो रहा है या नहीं हो रहा है। और कम्युनिटी लेवल पर ये बड़ा ही आसान सा एप्लीकेशन हो जाएगा, इसीलिए कवच ने एक्यूली लैब्स को सेलेक्ट किया है इस एप्लीकेशन को बिल्ड करने के लिए। हालांकि ये अभी लाइफास ऐप, आप इसके साइट पर जाएंगे तो ये बोलता है कि गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लो, लेकिन मैंने अभी डाउनलोड करके देखा ये डाउनलोड हो नहीं रहा है, होगा कुछ रीजन, हाल फिलहाल में भी आ जाएगा। बट हमने बात की यहां पर कवच की। कवच की बात करना जरूरी इसलिए है क्योंकि दोस्ती मतलब डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर ये एक ऐसा बोर्ड है जो कि नेशनल साइंस मतलब साइंस और टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप को नेशनल लेवल पर डेवलप करता है, मतलब कि नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट बोर्ड है ये। इसके अंदर हम लोग इनोवेशंस को सपोर्ट करते हैं, नए नए स्टार्टअप आइडियाज जो होते हैं उनको हम लोग एड्रेस करते हैं, हमारे आगे पीछे जितने भी मेजर चैलेंजेस होते हैं देश में उनको हम लोग स्टार्टअप के माध्यम से, एक नए नए आइडियाज के माध्यम से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जो कवच के कोई भी प्रॉब्लम या फिर कुछ भी चीजें होती हैं इनको इंप्लीमेंट कौन करता है? साइन करता है, मतलब कि सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये IIT बॉम्बे की एक सोसाइटी है जो कि कवच के लगभग लगभग सभी चीजों को, सभी प्रोग्राम्स को इंप्लीमेंट करने का काम करती है। यहां पर हमने एक और बात की, NSTEDB मतलब नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट बोर्ड, जिसका गठन 1982 में हुआ था डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर। बात वही है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी मैन पावर को अपने देश में बढ़ावा देने के लिए या फिर इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए हमारा जो नॉलेज बेस है वो बढ़ जाए इन स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर से या फिर एंटरप्राइजेस से, इसी ऑब्जेक्टिव के साथ NSTEDB काम करता है। नेक्स्ट आर्टिकल मंगोलियन कंजूर के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? देखो, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने एक प्रोजेक्ट लिया था जो 108 वॉल्यूम्स हैं मंगोलियन कंजूर के, इनको रीप्रिंट किया जाएगा मार्च 2022 से पहले। मैं फिर से बोलता हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने एक प्रोजेक्ट लिया था कि मंगोलियन कंजूर के जो 108 वॉल्यूम्स हैं उनको
रीप्रिंट करना है मार्च 2022 से पहले नेशनल मिशन फॉर मैन्यूस्क्रिप्ट्स के अंतर्गत। तो अब क्या हुआ है, कुछ वॉल्यूम्स को प्रिंट कर दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा और प्रिंट करके उनको प्रेसिडेंट को सौंपा गया। अब बात कर लेते हैं मंगोलियन कंजूर है क्या, कंजूर का क्या मतलब होता है। कंजूर का मतलब होता है कंसाइज ऑर्डर्स, मतलब संक्षेप में जो ऑर्डर्स होते हैं, या फिर यूं कहें वर्ड्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा इन पर्टिकुलर। तो मंगोलियन कंजूर का क्या मतलब हुआ, ये देखो बुद्धिस्ट कैनोनिकल टेक्स्ट है। कैनोनिकल का मतलब आप एक प्रकार से मान सकते हो ऑथराइज्ड, मतलब जेन्यून टेक्स्ट। तो ये जो मंगोलियन कंजूर है ये बुद्धिस्ट कैनोनिकल टेक्स्ट है, 108 वॉल्यूम्स हैं और इसे मंगोलिया में मोस्ट इम्पोर्टेंट रिलीजियस टेक्स्ट माना जाता है। जो मंगोलिया के लोग हैं वो इन टेक्स्ट की अपने टेंपल्स में पूजा करते हैं, डेली बेसिस पे टेक्स्ट जो हैं उनको रिसाइड किया जाता है मंगोलिया के लोगों के द्वारा और इसे वो पवित्र रिचुअल मानते हैं। इन वॉल्यूम्स की लैंग्वेज क्या है, मतलब ये जो मंगोलियन कंजूर हैं इनकी लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज है क्लासिकल मंगोलियन। और ये जो मंगोलियन कंजूर हैं ये मंगोलिया को एक कल्चरल आइडेंटिटी प्रोवाइड करते हैं। इसी वजह से जो मंगोलियन बुद्धिस्ट हैं इन टेक्स्ट की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा पवित्र मानते हैं। अब लास्ट में नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट्स, जिसके अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर मंगोलियन कंजूर के 108 वॉल्यूम्स को रीप्रिंट कर रही है, इस मिशन के बारे में जान लेते हैं। 2003 में स्टार्ट हुआ था, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर के द्वारा स्टार्ट किया गया था। एम ये है जो इंडियन मैन्युस्क्रिप्ट है, मतलब कि देखो कोई टेक्स्ट पुराने समय में जो हाथ से लिखा गया था उसे मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है। तो ऐसे इंडियन मैन्युस्क्रिप्ट को सर्वे करना, लोकेट करना, कंजर्व करना, ताकि ऐसे मैन्युस्क्रिप्ट्स का एक नेशनल रिसोर्स बेस तैयार किया जा सके, जिसे समय रहते एक्सेस किया जा सके, लोग उसके बारे में अवेयर हों और एजुकेशनल पर्पजेज़ के लिए उनका यूज़ किया जा सके। नोडल एजेंसी कौन है इस मिशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स न्यू दिल्ली में है। चलते हैं आगे, नेक्स्ट आर्टिकल नेशनल फिश फार्मर डे के बारे में है। वैसे UPSC इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं पूछती कि कौन सा डे कब बनाया जाता है, किस चीज़ से संबंधित, बट इस आर्टिकल में दो चीज़ें हैं जिनके बारे में क्वेश्चन UPSC पूछ सकती हैं। एक तो देखो 10 जनवरी को नेशनल फिश फार्मर डे ऑब्जर्व किया जाता है दो साइंटिस्ट की याद में, एक डॉक्टर KH अली खुनी और दूसरे डॉक्टर HL चौधरी। दोनों ने देखो सफलतापूर्वक डिमॉन्स्ट्रेट किया था हाइपोफिजिशन को। हाइपोफिजिशन क्या है, ये इंड्यूस्ड ब्रीडिंग की एक टेक्नोलॉजी है। इंडियन मेजर क्रॉप्स में हाइपोफिजिशन को शो किया गया था इन दोनों साइंटिस्ट के द्वारा 10 जून 1957 को। देखो अब नेशनल फिश फार्मर डे के मौके पर मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ने नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड के साथ मिलकर फिश क्रायोबैंक को इस्टेब्लिश करने की अनाउंसमेंट की है। क्रायोबैंक क्या होता है, क्रायोबैंक देखो क्लिनिक के लिए यूज़ होने वाली एक टर्म है, जहाँ पर ह्यूमन टिश्यूज़ को कलेक्ट करके रखा जाता है, स्टोर करके रखा जाता है बाद में इस्तेमाल करने के लिए। ये फिश क्रायोबैंक्स देश के अलग अलग इलाकों में इस्टेब्लिश किए जाएंगे मल्टीपल फेसिस में। और देखो पहली बार होगा वर्ल्ड में कि फिश क्रायोबैंक कहीं पर इस्टेब्लिश किया जाएगा फिश प्रोडक्शन को इन्हेंस करने के लिए और फिश फार्मर्स की प्रॉस्पर्टी यानी समृद्धि को इन्हेंस करने के लिए। देखो सीधा सीधा फायदा इन क्रायोबैंक्स का ये होगा कि कहीं पर अगर फिश की हैचरी है वहाँ पे फिशेस की ब्रीडिंग करनी है तो अच्छी क्वालिटी का फिश स्पर्म उपलब्ध हो जाएगा और अच्छी फिशेस की प्रोडक्शन को इंश्योर किया जा सकेगा। और ये क्रायोबैंक्स इस्टेब्लिश करने के लिए क्रायोमिल टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जाएगा। चलते हैं आगे, अगला आर्टिकल हमारा ऑपरेशन ब्रीदिंग स्पेस से रिलेटेड है। ये इंडिया और इसराइल के बीच में जॉइंट कोलैबोरेशन है, जिसके अंतर्गत कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम इसराइल से इंडिया आई है अभी, जो कि कोरोना वायरस इन्फेक्शन के डायग्नोसिस को कैसे तेजी में लाया जा सके, इसके लिए हम कौन कौन सी एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, उनकी कितनी इफेक्टिवनेस है,
इसको डिटरमाइन करने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिफेंस टीम इसराइल से इंडिया अभी आई है, और यहां पर इनका मेन मोटिव यही है कि हम COVID-19 पेशेंट्स को कितनी जल्दी से हम ट्रीट कर सकें, उनको हम डिटेक्ट कर सकें और उनका इलाज जल्दी से कर सकें। आर्टिकल पोर्ट लुइस के बारे में है, मैपिंग के लिहाज से ये इंपॉर्टेंट है, न्यूज में देखो इसलिए आया है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरिशस के काउंटर पार्ट प्रविंद जुगनोथ के साथ मिलकर पोर्ट लुइस सिटी में नई सुप्रीम कोर्ट का इनॉग्रेशन किया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। और देखो ये जो सुप्रीम कोर्ट बनाई गई है ये इंडिया की मदद से बनाई गई है। पोर्ट लुइस जो है वो मॉरिशस की कैपिटल है। पोर्ट लुइस फेमस है फ्रेंच कॉलोनियल आर्किटेक्चर के लिए। चलते हैं आगे, जो आर्टिकल है वो पल्स के बारे में है। नासा ने एक पेंडेंट इन्वेंट किया है। अगर देखो इस पेंडेंट को हमने पहन के रखा है और जब हम अपने फेस को हाथ से छूने की कोशिश करेंगे तो ये पेंडेंट बजना स्टार्ट हो जाएगा। फ़ायदा इसका ये होगा COVID-19 जिसको रोकने के लिए बार बार साइंटिस्ट के द्वारा सजेस्ट किया जाता है आप अपने फेस को हाथों से मत छूइए, तो COVID-19 से प्रिकॉशन बरती जा सकेगी, प्रिवेंशन हो सकेगी इस पेंडेंट की सहायता से जिसका नाम है पल्स। अगर ये पहना हुआ है और हम हाथ से फेस को छूने की कोशिश करेंगे तो ये बजना स्टार्ट हो जाएगा। इंपोर्टेंट आर्टिकल SDG इंडेक्स 2020 के बारे में है। 2020 का ये इंडेक्स हाल ही में पब्लिश हुआ और स्वीडन को इस इंडेक्स में टॉप स्थान प्राप्त हुआ है। ओवरऑल स्कोर स्वीडन का रहा 84.7। कौन प्रिपेयर करता है ये इंडेक्स? SDSN मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क में इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स की जो टीम है, ये टीम बर्टल्समान स्टिफ्टंग के साथ मिलकर ये इंडेक्स प्रिपेयर करती है। किस आधार पर विभिन्न देशों को रैंकिंग दी जाती है इस इंडेक्स में? देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो संख्या में टोटल हैं 17, विभिन्न UN के मेंबर कंट्रीज को इन गोल्स को अचीव करना है 2030 आने से पहले पहले। तो अभी विभिन्न देशों को कितना काम करना बाकी है इन टारगेट्स को अचीव करने के लिए, ये आधार बना के इंडेक्स प्रिपेयर किया जाता है। मतलब जो देश सबसे ज़्यादा पीछे हैं इन टारगेट्स को अचीव करने में उस देश को सबसे पीछे की रैंक दी जाएगी, और जो देश सबसे आगे हैं फॉर एग्जांपल स्वीडन बिल्कुल आसानी से इन टारगेट्स को अचीव कर लेगा। आप कह सकते हो स्वीडन सबसे आगे है इन टारगेट्स को अचीव करने में, सबसे जल्दी स्वीडन इन टारगेट्स को अचीव करेगा, तो सबसे पहले स्वीडन की रैंक। इंडिया की रैंकिंग कितनी है? इंडिया की रैंकिंग है 117। स्कोर कितना रहा इंडिया का? स्कोर है 61.9। साउथ एशिया की बात करें, मालदीव का स्थान रहा 91, श्रीलंका का 94, नेपाल का 96, बांग्लादेश का 109, पाकिस्तान का 134। तो आप कह सकते हो हमारी परफॉर्मेंस सिर्फ पाकिस्तान से अच्छी रही साउथ एशिया में, बाकी सभी देशों की अपेक्षाकृत हमारी पोजीशन घटिया रही। हम बात करें लास्ट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क की, इसको देखो सेटअप किया गया था 2012 में UN सेक्रेटरी जनरल की गाइडेंस में। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए ग्लोबल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज को मोबिलाइज करती है। चलते हैं आगे, नेक्स्ट आर्टिकल सीरोलॉजिकल सर्वे के बारे में है। सीरोलॉजिकल सर्वे हाल ही में दिल्ली में कंडक्ट किया गया था। होता क्या है ये सीरोलॉजिकल सर्वे? देखो इस सर्वे की सहायता से किसी पर्टिकुलर रीजन की पॉपुलेशन में एंटीबॉडीज की प्रेजेंस को डिटेक्ट किया जाता है। इससे पता लग जाता है कि किसी वायरस से कितने लोग इन्फेक्ट हुए हैं। कैसे? देखो जब कोई वायरस या फिर दूसरा मॉलिक्यूल हमारे बॉडी में एंटर करता है, फॉरेन इन्वेडर, तो उस वायरस का सामना करने के लिए एंटीबॉडी हमारे बॉडी में जनरेट होते हैं। सबसे पहला जो एंटीबॉडी जनरेट होते हैं वो है IgM। तो अगर इस एंटीबॉडी को डिटेक्ट किया जाता है बॉडी में
तो इसका मतलब ये है, वायरस ने एंटर किया था तभी ये एंटीबॉडी जनरेट हुए हैं, बिना वायरस का मुकाबला करने के लिए तो ये एंटीबॉडी जनरेट नहीं होते हैं ना। तो कोई अगर कोविड 19 से इन्फेक्ट हुआ है तो उसकी बॉडी में ये एंटीबॉडी मिलेंगे IgM। कोई ठीक भी हो गया है कोविड 19 से तो भी ये एंटीबॉडीज तो मिलेंगे ही, क्योंकि कोविड 19 ठीक हो चुका है उसके बाद इतना जल्दी ये एंटीबॉडी जाते नहीं है बॉडी में, कुछ दिनों के लिए तो रहते हैं। तो ये हमने बात की सीरोलॉजिकल सर्वे की। अब बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने कहा है हमने ये सर्वे दिल्ली में कंडक्ट किया था और सर्वे में पाया है 23% जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके अंदर एंटीबॉडीज हैं। तो इसका मतलब तो देखो सीधा सीधा ये निकलता है ना कि दिल्ली में 23% पॉपुलेशन कोविड 19 से इन्फेक्टेड है। लेकिन अपने आप में ये चीज, ये बात कहना बहुत ज्यादा सनसनीखेज है। इसीलिए एक डिबेट भी हुई थी कि सीरोलॉजिकल सर्वे ये कितना ज्यादा ऑथेंटिक था, क्या वास्तव में इतने बड़ी संख्या में दिल्ली में लोगों को कोविड 19 हुआ है। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा सेस नाक के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? देखो, चार मालगाड़ियों को जोड़कर एक गाड़ी बनाई गई और उसी का नाम है सेस नाग। टोटल इस गाड़ी में 251 डब्बे थे और चार इंजन लगे हुए थे। लेंथ बन गई टोटल इस गाड़ी की 2.8 किलोमीटर। ये किसके द्वारा बनाई गई सेसनाग? ये बनाई गई साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन के द्वारा। इससे पहले देखो इसी रेलवे जोन के द्वारा एक गाड़ी बनाई गई थी सुपर एनाकोंडा, इसमें टोटल 177 डब्बे थे। लेकिन इससे भी लंबी मालगाड़ी अब बनाई गई चार मालगाड़ियों को जोड़ के, जिसको नाम दिया गया सेसनाग। चार इंजन इसमें थे। फायदा क्या होगा? देखो, जब इतनी लंबी मालगाड़ी चलाने में हम सक्षम होंगे तो एक तो टाइम की बचत होगी, कंजेशन नहीं होगा, क्योंकि रेलवे लाइन पर काफ़ी बार कंजेशन हो जाता है, रोक के रखना पड़ता है एक गाड़ी को निकालने के लिए दूसरी गाड़ी को, तो गाड़ियां बहुत लेट हो जाती हैं। लेकिन इससे पैसा भी कम लगेगा और टाइम की बचत होगी और डेफिनेटली इकोनॉमी को भी फायदा होता ही है जब जल्दी सामान पहुंच जाता है। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल वॉलंटरी नेशनल रिव्यू के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? नीति आयोग ने इंडिया का सेकंड वॉलंटरी नेशनल रिव्यू प्रेजेंट किया। यूनाइटेड नेशंस हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2020 को। ये क्या है वॉलंटरी नेशनल रिव्यू? क्या है? देखो, ये कंपल्सरी नहीं है, बट जैसा आपको पता है विभिन्न यूएन के मेंबर कंट्रीज को 2030 से पहले पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करना है, तो विभिन्न देश प्रोग्रेस रिपोर्ट सौंप सकते हैं इस फोरम को, यूनाइटेड नेशंस हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। विभिन्न देश बता सकते हैं कि भैया हमने ये स्टेप लिए हैं और फिलहाल हम इस, हमारा स्टेटस ये है, हम इतना आगे पहुंचे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए। तो इसी पर चलते हुए इंडिया ने अब अपनी वॉलंटरी रिपोर्ट सौंपी है कि हमारा स्टेटस ये है, हमने ये स्टेप लिए हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए। टाइटल क्या है रिपोर्ट का? डिकेड ऑफ एक्शन टेकिंग SDG फ्रॉम ग्लोबल टू लोकल। देखो, वैसे हमारे देश में अगर UPSC पूछ लेती है किस कौन सी एजेंसी की जिम्मेदारी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की इंप्लीमेंटेशन को मॉनिटर करना, ये देखो नीति आयोग की जिम्मेदारी है, क्वेश्चन बन जाता है। नेशनल लेवल पे या फिर सब नेशनल लेवल पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की इंप्लीमेंटेशन कैसे हो रही है, सारा इंप्लीमेंटेशन का काम नीति आयोग का है। और जैसा हमने बात की, ये वॉलंटरी नेशनल रिव्यू वॉलंटरी है। इससे पहले भी हम एक बार वॉलंटरी नेशनल रिव्यू के अंतर्गत रिपोर्ट दे चुके हैं और अब दूसरी बार हमने रिपोर्ट सौंपी है। और जिस प्लेटफॉर्म को हमने सौंपी है उसके बारे में भी जान लेते हैं, यूनाइटेड नेशंस हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसको देखो इस्टेब्लिश किया गया था 2012 में, जब एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इस कॉन्फ्रेंस की एक आउटकम आप कह सकते हो इस फोरम का इस्टेब्लिश होना था। पर्पज क्या है इस फोरम का? इस फोरम का पर्पज ये है मोनिटर करना कि विभिन्न देश कितना कमिटेड हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने की दिशा में। हर साल देखो इस फोरम की मीटिंग होती है 2016 के बाद से ही। यूएन की एक एजेंसी है, यूएन इकोसोक,
इस बॉडी के तत्वाधान में, यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के तत्वाधान में यानी गाइडेंस में इस फोरम की एनुअल बेसिस पर मीटिंग ऑर्गेनाइज होती है 2016 के बाद से ही। चलते हैं आगे। आर्टिकल विंटर डीजल के बारे में है, क्या कंटेस्ट है? हमारी आर्म फोर्सेस जल्द ही हाई एल्टीट्यूड एरियाज, फॉर एग्जांपल लद्दाख जैसे एरियाज में ऑपरेशंस के लिए विंटर डीजल को यूज़ करना स्टार्ट कर सकती हैं। देखो, जो ये हाई एल्टीट्यूड एरियाज होते हैं, यहाँ पर विंटर में टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है, इस वजह से नॉर्मल जो डीजल होता है उसे इस्तेमाल करना मुश्किल होता है, क्योंकि नॉर्मल डीजल के जो फ्लो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो चेंज हो सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अगर नॉर्मल डीजल इस्तेमाल किया जाता है तो इससे व्हीकल्स को नुकसान भी पहुंचता है। इसी प्रॉब्लम को देखते हुए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा हाई एल्टीट्यूड रीजन्स में या फिर उन रीजन्स में जहां पर टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है, ऑपरेशंस को कैरी आउट करने के लिए विंटर डीजल को डेवलप किया गया है। विंटर डीजल के फीचर्स की हम बात करें, इसमें देखो एडिटिव्स होते हैं ताकि विंटर डीजल की जो विस्कोस्टी है वो कम रहे और इसे इस्तेमाल किया जा सके इवन -30 डिग्री सेल्सियस पर। विंटर डीजल की जो सीटेन रेटिंग होती है काफ़ी ज़्यादा होती है। सीटेन रेटिंग हमें बताती है कि किसी डीजल की कंबसन स्पीड कितनी है और इग्निशन के लिए मतलब जलाने के लिए कितने कंप्रेशन की आवश्यकता होती है। तो इन चीज़ों को इंडिकेट किया जाता है सीटेन रेटिंग के द्वारा। तो विंटर डीजल की सीटेन रेटिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, सल्फर कंटेंट भी काफ़ी ज़्यादा कम होता है, इससे इंजन्स की ना सिर्फ परफॉर्मेंस अच्छी रहती है बल्कि पोल्यूशन भी कम होता है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल वर्ल्ड यूथ स्किल डे के बारे में है, क्या कंटेस्ट है? वर्ल्ड यूथ स्किल डे जो हर साल 15 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है 2014 के बाद से ही, इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने यूथ को संबोधित किया। देखो, वर्ल्ड यूथ स्किल डे को ऑब्जर्व करने का मकसद ये होता है इस बारे में जागरूकता फैलाना, बताना विभिन्न देशों की सरकारों को और अथॉरिटीज़ को कि यूथ को एम्प्लॉयमेंट के लिए, डिसेंट वर्क के लिए और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए स्किल्स प्रोवाइड करना क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। थीम इस बार की थीम स्किल्स फॉर ए रिजिलियंट यूथ। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज की गई है जिसका नाम है ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स फॉर यूथ 2020 टेक्नोलॉजी एंड द फ्यूचर ऑफ जॉब्स। ये रिपोर्ट देखो फोकस करती है टेक्नोलॉजी में जो बदलाव आ रहा है, धीरे धीरे एडवांस टेक्नोलॉजी आ रही है, इससे यूथ लेबर मार्केट में इनइक्वालिटीज पर क्या असर होगा, इसे एग्जामिन किया जाता है इस रिपोर्ट में। इसके साथ साथ जो जॉब करेक्टरिस्टिक्स या फिर जॉब सेक्टर्स, जॉब स्किल्स हैं उनमें भी किस प्रकार का शिफ्ट देखने को मिल रहा है, इस चीज़ को एनालाइज किया गया है इस रिपोर्ट में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल वर्ल्ड की फर्स्ट इलेक्ट्रिफाइड रेल टनल के बारे में है, क्या कंटेस्ट है? देखो, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर जो बन रहा है, आप ये मैप में देखिए, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर बन रहा है, रास्ते में आती है अरावली हिल्स। तो अरावली हिल्स को काटने की आवश्यकता है ताकि टनल बनाई जा सके और वहां से रेल गुजर सके, वही हुआ है। हरियाणा में सोहना के पास ये दुनिया की पहली इलेक्ट्रिफाइड रेल टनल बनाई गई है और इसमें से डबल स्टेक कंटेनर गुड्स जो ट्रेन है वो भी गुजर सकती हैं। डबल स्टेक कंटेनर मतलब ऐसी ट्रेन जहां पे एक के ऊपर एक कंटेनर रखा जा सके, जैसे ये तस्वीर देखिए, एक कंटेनर के ऊपर दूसरा कंटेनर भी रखा हुआ है, तो ऐसी ट्रेन्स भी गुजर सकती हैं इस वर्ल्ड की फर्स्ट इलेक्ट्रिफाइड रेल टनल से। इंजीनियर्स को देखो 2500 से लेके 500 मिलियन ईयर्स पुरानी प्रोटेरोजोइक रॉक्स को ब्लास्ट करना पड़ा इस इलेक्ट्रिफाइड डबल स्टेक कंटेनर टनल को बिल्ड करने के लिए। और एक बार जब ये टनल ऑपरेशनल हो जाएगी, अभी तो सिर्फ देखो ब्लास्ट किया गया है और टनल बन रही है, तो यहाँ पर ट्रेन गुजर सकेगी 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। ये टनल हरियाणा के मेवात और गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट को आपस में जोड़ती है और इस कॉरिडोर की इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है? डेडिकेटेड
फ्रीट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ये इस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट कर रही हैं। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2020। देखिए ये रिपोर्ट को रिलीज किया गया है यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, यूनाइटेड नेशंस सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजेंसी के द्वारा, और यहाँ पे एक स्पेसिफिक टाइटल अगेंस्ट माय विल, इसको हम डिस्कस करेंगे। देखिए इस पूरे रिपोर्ट का फोकस जेंडर बायस के ऊपर होगा और दूसरा वायलेंस अगेंस्ट गर्ल्स एंड वीमेन के ऊपर होगा। यह रिपोर्ट में कुछ हार्मफुल प्रैक्टिसेस को हाईलाइट किया गया है। जैसा कि रिपोर्ट ये बताती है कि हार्मफुल प्रैक्टिसेस अगेंस्ट वुमेन, आउट ऑफ विच 3 आर मोस्ट वाइड स्प्रेड। जितने भी हार्मफुल प्रैक्टिसेस है अगेंस्ट वुमेन, इनमें से 3 जो है वो दुनिया भर में फैले हुए हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में है, ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर देश में है, पूरे दुनिया में फैले हुए हैं। जैसा कि पहले नंबर पर आता है फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन, दूसरे नंबर पर आता है चाइल्ड मैरिज, तीसरे नंबर में आता है सन प्रेफरेंस। देखिए ग्लोबल लेवल पे लड़कियों की शादी, देखिए 5 अगर लड़कियां हैं तो एक ही लड़की की शादी 18 साल की उम्र में होती है, यानी 4 लड़कियों की शादी 18 उम्र के होने से पहले ही किक कर दी जाती है। इंडिया में क्या है, इंडिया में चाइल्ड मैरिजेस कैन बी डायरेक्टली लिंक टू पॉवर्टी। अगर कोई गरीब है तो ये क्या करेगा, पहले जब लड़की छोटी होगी तभी शादी कर देगा। दूसरा पुअर एजुकेशन, अवेयरनेस किससे आती है, अवेयरनेस आती है एजुकेशन से। यहाँ पे जो रूरल एरियाज रिमोट एरियाज में होते हैं इनमें अवेयरनेस नहीं होती है, इनके पास सही चीज़ जाती नहीं है कि छोटी उम्र में लड़कियों का ब्याह क्यों नहीं करना है। अब ये ट्रेडिशनली इनकी कम्युनिटीज में प्रैक्टिस किया गया है और ये प्रैक्टिस करते रहते हैं, अभी तक उनमें अवेयरनेस नहीं आया। अब बताता हूँ मैं आपको ये मिसिंग फीमेल्स क्या होती है। देखिए दुनिया भर में पिछले 50 साल में मिसिंग फीमेल्स की संख्या 2 गुनी से भी ज़्यादा बढ़ गई है। अब मिसिंग फीमेल्स का मतलब ये नहीं है कि किसी को किडनैप कर लिया गया है, मिसिंग फीमेल्स का अर्थ वो महिलाएं या लड़कियां हैं जो जन्म से पहले या बाद में जेंडर आधारित यानी सेक्स सेलेक्शन की वजह से जनसंख्या से मिसिंग हो गई हैं, इन फीमेल्स की बात की जा रही है। या तो इनका फीमेल फिटिसाइड हो गया है या इनका फीमेल इन्फेंटिसाइड हो गया है, या तो कोक में मार दिया गया है या पैदा होते ही लड़की है मालूम चला और मार दिया गया है। देखिए रिपोर्ट ये बताती है, कुछ आंकड़े देती है, ये आंकड़े देखेंगे हम। जो प्रीनेटल सेक्स सेलेक्शन होता है वो 142 मिलियन से भी ज़्यादा है और इसकी वजह से 142 मिलियन गर्ल्स मिसिंग है ग्लोबली। ठीक है, हमने लॉ तो बनाया है कि सेक्स सेलेक्शन अलाउ नहीं है, इलीगल है, लेकिन कोई डॉक्टर्स पैसे लेकर कर देते हैं या फिर इनको लॉ से कुछ लेना देना नहीं होता है, इसी वजह से। देखिए आप क्या है ये नंबर्स, 142 मिलियन गर्ल्स मिसिंग है ग्लोबल लेवल पे। इंडिया में 46 मिलियन गर्ल्स आर मिसिंग, दैट इज दे वर नॉट बॉर्न ड्यू टू सेक्स सेलेक्शन बायसेस। ईच ईयर बिटवीन 2013 से 2017 के बीच की बात कर रहे हैं, ये 46 मिलियन गर्ल्स मिसिंग है और 1.2 मिलियन गर्ल्स लॉस्ट एनुअली ड्यू टू फीमेल फिटिसाइट। अब COVID-19 के इम्पैक्ट इन पे किस तरह से हुए ये देखते हैं। COVID-19 की वजह से ये जो हम एफर्ट्स लगा रहे हैं कि मिसिंग फीमेल्स को कम से कम किया जाए, लेकिन वो ज़्यादा रिवर्स हो गए हैं और ज़्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि COVID-19 की वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बंद हो गई है और लॉस ऑफ एक्सेस टू हेल्थ सर्विसेज ये सब खराब हो गया है, इसकी वजह से ये लोग डायरेक्टली अबॉर्शंस के ऊपर जाते हैं। देखिए सजेशंस दिए गए हैं कुछ मिसिंग फीमेल्स से लड़ने के लिए। टैकल द रूट कॉज, रूट कॉज मालूम करें, स्पेशली जेंडर बायस नॉर्म्स। सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज के लिए कितना फंड है वो एस्टिमेट करें और ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स एलोकेट करें ये चीज़ों से निकलने के लिए। नेक्स्ट आर्टिकल, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेस और G6PD कहते हैं इसको। G6PD की डेफिशिएंसी ज़्यादातर मेल्स में होती है, फीमेल तो कैरियर होंगे, जेनिटल प्रॉब्लम से ये सेक्सुअल इंटरकोर्स की बात आती है। देखिए अगर फीमेल को, अगर फीमेल हो रही है, डॉटर हो रही है, तब तो प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि फीमेल कैरियर है, लेकिन जब मेल होगा, जब बॉय होगा, तब ये इनहेरिटेंस प्रॉब्लम हो जाती है। अब देखिए रिसेंटली हुआ ये है, सूरत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एक स्पेसिफिक COVID-19 के अलर्ट को रेस की है, किसके लिए, स्पेशली बटालिया प्रजापति कम्युनिटी के लिए।
यहाँ पे ये कम्युनिटी की 25% पॉपुलेशन सफर करती है जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर कॉल्ड G6PD डेफिशिएंसी। अब देखिए जो ड्रग देते हैं हम COVID-19 से लड़ने के लिए, ये ड्रग का नाम है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वाइन। अब ये अगर ड्रग देते हैं हम ये कम्युनिटी को COVID-19 से लड़ने के लिए, तब क्या होगा, ये ड्रग बहुत ज़्यादा डैमेज कर देगी ब्लड वेजल्स, ब्रेन भी डैमेज हो सकता है इन्फेंट्स का, और किडनी फेल्यूर भी हो सकती है अडल्ट में। तो इसीलिए एक अलर्ट जारी किया है सूरत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा, पर्टिकुलरली वटालिया प्रजापति कम्युनिटी के लिए। ये कम्युनिटी का नाम याद रखें आप। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने ये रिकमेंड किया है अ वाइडर यूज ऑफ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वाइन इन बैटल अगेंस्ट COVID-19। लेकिन अब यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं हम। मैं बताता हूँ आपको G6PD डिफिशियंसी क्या होता है। ये एक जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी है, जैसा कि मैंने कहा कि कैरियर जो होता है फीमेल होता है इसमें, दैट रिजल्ट्स इन एन इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेस इन द ब्लड। ब्लड में जो ग्लूकोज होता है वो ज़्यादा सप्लाई नहीं होता है। ये अगर किसी के पास G6PD डिफिशियंसी हो तो इनको जितनी मात्रा में ग्लूकोज की ज़रूरत है उतनी मात्रा में ग्लूकोज सप्लाई नहीं किया जाता है ब्लड के द्वारा। सो G6PD इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग रेड ब्लड सेल्स हेल्थी। अगर नहीं हुआ तो रेड ब्लड सेल्स कुछ इस तरह से डैमेज हो जाएंगे, इनका शेप ही बिगड़ जाएगा। अगर ग्लूकोज सही मिला इनको तो ये प्रॉपरली फंक्शन करेंगे और इनकी लाइफ स्पैन नॉर्मल होगी, जैसा कि रेड ब्लड सेल्स की लाइफ स्पैन है 120 डेज। और ये जो रेड ब्लड सेल्स डैमेज हो जाते हैं, अर्ली डिस्ट्रक्शन कहते हैं, 120 जो एवरेज नॉर्मल डेज है RBCs के लाइफ स्पैन के लिए, अगर इससे पहले ये डिस्ट्रक्ट हो जा रहे हैं या इरेगुलर शेप में हो रहे हैं तो इसको हीमोलाइसिस कहते हैं, एंड इट कैन इवेंचुअली लेड टू हीमोलाइटिक अनेमिया। नेक्स्ट आर्टिकल गेर सैन। देखिए उत्तराखंड के गवर्नर ने रिसेंटली अपना एसेंट दिया है किसके लिए, गेर सैन बनाने के लिए एज उत्तराखंड समर्स कैपिटल। गेर सैन अब उत्तराखंड का समर का कैपिटल होगा। इसकी लोकेशन देखिए आप कहाँ आती है, उत्तराखंड यहाँ पे है, गेर सैन यहाँ पे है उत्तराखंड में। गेर सैन जो है एक तहसील है चमोली डिस्ट्रिक्ट जो कि आती है कुमाऊं और गढ़वाल रीजन्स के बीच में, एंड हेंस इज कन्वीनियंट फॉर पीपल ऑफ बोथ गढ़वाल एंड कुमाऊं डिविजन्स टू एक्सेस गेर सैन। दोनों जगहों के लोग, दोनों रीजन्स के लोग, गढ़वाल कुमाऊं दोनों भी एक्सेस कर सकते हैं गेर सैन, क्योंकि ये दोनों के बीच में आती है। इट इज़ लोकेटेड नियरली 270 किलोमीटर्स फ्रॉम देहरादून, जो एक्चुअल कैपिटल है उत्तराखंड का, उससे ये 270 किलोमीटर दूरी पे है। नेक्स्ट आर्टिकल बीमल जुल्का कमेटी। देखिए ये एक्सपर्ट कमेटी है रैशनलाइजेशन के ऊपर, क्लोजर और मर्जर ऑफ फिल्म मीडिया यूनिट्स, और रिव्यू ऑफ ऑटोनोमस बॉडी भी यही करती है। ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंतर्गत काम करती है। इन्होंने रिसेंटली सजेस्ट किया है अम्ब्रेला कॉन्फ़िगरेशन, 4 ब्रॉड वर्टिकल्स बताए हैं इन्होंने। एक तो होता है प्रोडक्शन, दूसरा है फेस्टिवल, तीसरा है हेरिटेज, और चौथा है नॉलेज। इन्होंने रिसेंटली ये भी रिकमेंड किया है कि जो कॉमर्शियल फिल्म मेकर्स होते हैं, इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स जो कॉमर्शियल फिल्म बनाते हैं, इनके लिए एक सेपरेट फिल्म प्रमोशन फंड बनाया जाए। नेक्स्ट आर्टिकल हेरिटेज मैनेजमेंट। रिसेंटली नीति आयोग ने वर्किंग ग्रुप रिपोर्ट जारी की है। किसके ऊपर है ये रिपोर्ट? ये रिपोर्ट है इम्प्रूविंग हेरिटेज मैनेजमेंट इन इंडिया के ऊपर है। देखिए ये ज़बरदस्त आर्टिकल है, इस पे वेरियस स्कीम्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चला रही है कंजर्व करने के लिए हेरिटेज, वो डिस्कस की गई है, और जितने एनजीओस हैं जो काम कर रहे हैं हेरिटेज को कंजर्व करने का, वो भी डिस्कस किए गए हैं। ये रिपोर्ट की ओवरव्यू अगर हम लें तो इसमें बताया ये क्या है, 5 लाख प्लस हेरिटेज साइट्स और मॉन्यूमेंट्स हैं इंडिया में। जस्ट इमेजिन, देखिए कितना ह्यूज साइज है ये 5 लाख प्लस, जिसमें से 3,691 ASI प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स है और 6,000 प्लस स्टेट आर्कियोलॉजी प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स है। 3,691 ASI है और 6,000 प्लस स्टेट आर्कियोलॉजी प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स है, और 4 लाख से भी ज़्यादा रिलीजियस हेरिटेज साइट है, प्लस 38 ऐसे साइट्स हैं जिसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है। इनफैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन में भी
आर्कियोलॉजिकल साइट्स, कल्चरल हेरिटेज और मॉन्यूमेंट्स, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये जुरिस्डिक्शन जो होता है इंडिया का एडमिनिस्ट्रेटिव जुरिस्डिक्शन, इसको डिवाइड किया है। जैसा कि यहाँ पे बात की गई है यूनियन लिस्ट की, सेकेंड स्टेट पे, थर्ड कॉन्करेंट। यूनियन में वो एंशियंट मॉन्यूमेंट्स आएंगे, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स आएंगे और आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड आर्कियोलॉजिकल रिमेंट्स। देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। आर्कियोलॉजिकल साइट्स में यानी एक्सकवेशन के बाद जो पुरानी इमारतें निकलती हैं, पुराने मॉन्यूमेंट्स निकलते हैं, वो आर्कियोलॉजिकल साइट्स होते हैं। एक्सकवेशन के बाद अगर छोटे छोटे चीज़ जैसा कि चावल का दाना या पॉटरी वगैरह जो निकलती है, इसको रिमेंस कहते हैं। तो ये सारे का जिम्मा यूनियन गवर्नमेंट के ऊपर होगा कि किस तरह से कंजर्व कर सकें, किस तरह से प्रोटेक्ट करें। ये टाइम टू टाइम पार्लियामेंट ऑफ इंडिया बोलेगी कि ये पर्टिकुलर मॉन्यूमेंट नेशनल इम्पोर्टेंस है, ठीक है। ये प्रोविजन इनको दिया गया है यूनियन गवर्नमेंट को अंडर एक एक्ट, ये कानून है एंशियंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेंस एक्ट ऑफ 1958। दूसरा है एंटीक्विटीज एंड आर्ट ट्रेजरी एक्ट 1972। ये कानून के तहत जितने भी एंटिक और आर्ट ट्रेजरर्स है हमारे पास, इन सबको रेगुलेट करना है, इनका एक्सपोर्ट ट्रेड रेगुलेट करें ताकि हम जो स्मगलिंग है उससे बचें फ्यूचर में, और फ्रॉड डील्स जो होते हैं एंटीक्विटीज को लेकर, इससे भी बचें। तो ये रेगुलेट करने की भी जिम्मेदारी यूनियन गवर्नमेंट की है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेट में देखिए, स्टेट में भी एंशियंट हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी स्टेट की है, लेकिन यहाँ पे वो नहीं होंगे जो ऑलरेडी पार्लियामेंट ने दर्जा दिया है नेशनल इम्पोर्टेंस के, वो मॉन्यूमेंट्स नहीं होंगे, इसके अलावा दूसरे होंगे। और इसको प्रिजर्व किया जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी फॉर द स्टेट प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स एंड म्यूजियम के द्वारा। देखिए कॉन्करेंट भी एक है, कॉन्करेंट में दोनों की जुरिसडिक्शन चलेगी, यूनियन की भी चलेगी या स्टेट की भी चलेगी, ये डिसाइड किया जाएगा पार्लियामेंट के द्वारा। अब देखिए मैं बात करूंगा एनजीओस के बारे में, कितने एनजीओस काम कर रही है इंडिया में हेरिटेज कंजर्वेशन के लिए और मैनेजमेंट के लिए। सबसे पहले यहाँ पे बात की गई है द आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर के बारे में। इसका फोकस कंप्लीटली होगा फिजिकल, सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक रिविटलाइजेशन ऑफ कम्युनिटीज डेवलपिंग वर्ल्ड, यानी इंडिया जैसे कंट्रीज में किस तरह से कम्युनिटीज का रिविटलाइज करें इकोनॉमिक्स टर्म में, फिजिकल टर्म में, सोशल टर्म में एंड कल्चरल टर्म में। नेक्स्ट सेकेंड एनजीओ है यहाँ पे इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज। देखिए इसका काम ये होगा कि किस तरह से लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट की जाए कि हेरिटेज को कंजर्व करना कितना ज़रूरी होगा, अगर ये कंजर्व होंगे तो आपको खुद को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, इंडिया की जो इज्जत है पूरे वर्ल्ड में बढ़ेगी ये हेरिटेज साइट्स देखने के बाद, टूरिस्ट बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे और बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। और तीसरा है इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स। इसका काम क्या होगा? इसका काम तो ग्लोबल लेवल पे होगा, ये ग्लोबल एनजीओ है जिसका काम अगेन कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ कल्चरल हेरिटेज प्लेसेस है। ये अलग अलग मेथड से अपना काम करती है, जैसा कि एप्लीकेशन ऑफ थ्योरी को प्रमोट करना, मेथोडोलॉजी किस तरह से हम किस मेथड से हम कल्चरल हेरिटेज को कंजर्व कर सकते हैं, और साइंटिफिक टेक्निक्स यूज करती है ये इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है लास्ट वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड। वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड इंडिया में भी एक है, तो इसको कहते हैं हम वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड इंडिया। इसका फोकस दो जगहों पे होगा, पहला तो हेरिटेज कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स के ऊपर होगा, सेकेंड के अवेयरनेस प्रोग्राम्स इंडिया में किस तरह से कैरी आउट किए जा रहे हैं, दो भी, और ये असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी। वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड इंडिया को असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए। और अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जितने इनिशिएटिव्स लिए हैं वो उसकी बात करते हैं। पहले तो है हृदय नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। ये किस लिए हुई थी? प्रिजर्व कर सकें और रिविटलाइज कर सकें द यूनिक कैरेक्टर ऑफ हेरिटेज साइट सिटीज इन इंडिया। जितने भी इंडिया में हेरिटेज सिटीज हैं, हेरिटेज साइट्स हैं, इनको प्रिजर्व करें पहले तो, अगर ये इनके ढांचे कमज़ोर हो गए तो फिर इनको रिविटलाइज भी करें। रिविटलाइज करने में जितने भी मेथड्स होंगे वो यूज़ किया जाएगा। सेकेंड जो इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो है प्रसाद। प्रसाद का फुल फॉर्म देखिए पिलग्रिमेज रिजुवेनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव। यहाँ पे वो साइट्स जो पिलग्रिम जाते हैं वहाँ पे, ठीक है,
पिलग्रिम जो जाते हैं वहाँ पे, इन साइट्स को किस तरह से रिज्यूनेट करें, क्योंकि ये स्पिरिचुअल साइट्स हैं, तो उसी के नाम पे रखा गया है ये प्रसाद करके। इसका काम ये होगा कि ये साइट्स को डेवलप करें और ब्यूटीफाई करें और ज़्यादा निखारें, और इस तरह के 40 से ज़्यादा डेस्टिनेशंस को हाईलाइट किया गया है ये इनिशिएटिव के अंदर, यानी डेवलपमेंट का काम चल रहा है यहाँ पे। शो आइकॉनिक प्लेसेस, ये स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत आती है स्वच्छ आइकॉनिक प्लेसेस, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कर दिए जाएंगे मॉन्यूमेंट्स को एज स्वच्छ टूरिस्ट डेस्टिनेशन, सो दैट जितने भी टूरिस्ट है बहुत ज़्यादा टूरिस्ट ये डेस्टिनेशन को अट्रैक्ट हो सके और इनका एक्सपीरियंस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। अगर इनका एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो वो उनकी कंट्री में जाएंगे और उनके दोस्तों को, उनके फैमिली मेम्बर्स को बोलेंगे कि इंडिया में ये पर्टिकुलर साइट विजिट करना। इस तरह से टूरिज्म जो है वो प्रमोट होगा और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन फिर से होगा और GDP भी स्ट्रांग होगी। एडॉप्ट अ हेरिटेज, अपनी धरोहर अपनी पहचान, यहाँ पे देखिए ये वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है और इसमें प्राइवेट सेक्टर का भी इन्वॉल्वमेंट होगा, जैसा कि रेडफोर्ड को रिसेंटली लीज पे लिया गया था दालमिया ग्रुप के द्वारा। मतलब गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेट सेक्टर को लेकर काम करना चाह रही है। और नेक्स्ट आता है स्वच्छ दर्शन स्कीम बाई टूरिज्म मिनिस्ट्री टू डेवलप थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट्स। देखिए ये अलग अलग सर्किट्स बनाए गए हैं कि जैसा कि बुद्धिस्ट सर्किट्स एक हो गया कि बुद्धा के जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं वहाँ पे लेकर जाएंगे आपको, वहाँ के दर्शन कराएंगे, तो इस तरह के थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट्स बनाए गए हैं, ठीक है। और ये प्रोवाइड करेगा वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट इनक्रेडिबल इंडिया 2.0 कैंपेन 2018, इसमें देखा होगा आपने इनक्रेडिबल इंडिया का कैंपेन, आमिर खान जो इसके एम्बेसडर थे वहाँ पे ये बता रहे थे कि देखिए मॉन्यूमेंट्स पे जाके कुछ भी मत लिखिए आप, आजकल इंडिया के मॉन्यूमेंट्स में जो आज तक मैं विजिट किया है वहाँ पे तो मिलेगा ए लव्स बी करके, कपल्स के नाम्स रहेंगे, तो उसे करना क्या है यार, नहीं करना है उसे कुछ, आने का है ना कुछ जाने का है, तो इस तरह के काम करने से मॉन्यूमेंट्स की जो खूबसूरती है वो ख़राब हो जाएगी। तो इस तरह का ये इंटरनेशनल टूरिज्म प्रोमोशन कैंपेन चलाया गया था इंडिया में 2018। नेक्स्ट इस आदर्श स्मारक, ASI ने 100 से ज़्यादा मॉन्यूमेंट्स को आइडेंटिफाई किया है, यहाँ पे तो एग्जैक्ट नंबर दे रहा है, 100 मॉन्यूमेंट्स को आइडेंटिफाई किया है कि ये डेवलप किए जाएंगे एज मॉडल मॉन्यूमेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट इस प्रोजेक्ट मौसम, ये रिकनेक्ट करेगा और रीस्टैब्लिश करेगा कम्युनिकेशंस कंट्रीज के बीच में, इंडियन ओशन वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज आते हैं इनके बीच में प्रोजेक्ट मौसम के द्वारा रिकनेक्ट किए जाएंगे कंट्रीज और रीस्टैब्लिश किए जाएंगे। और ये क्या करेगा, बेसिकली ये लीड करेगा इन्हेंस्ड करने के लिए अंडरस्टैंडिंग ऑफ कल्चरल वैल्यूज, किस तरह से आजकल के यूथ को जो कल्चरल वैल्यूज़ की इम्पोर्टेंस बताना है, कंसर्न्स बताना है इनके, तो वो अंडरस्टैंडिंग एनहेंस करने के लिए प्रोजेक्ट मौसम को स्टार्ट किया था। यहाँ पे मिलियू का मतलब है मैरीटाइम मिलियू, मतलब मैरीटाइम जितना भी एनवायरनमेंट होता है, एटमॉस्फेयर होता है, उसको मैरीटाइम मिलियू कहते हैं। रिलेटेड स्टैटिस्टिक्स बताता हूँ मैं आपको, इंडिया की रैंक है 34th ऑन द वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2019 के हिसाब से, जिसको रिलीज किया गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। नेक्स्ट आर्टिकल कुशीनगर, रिसेंटली हुआ ये है यूनियन कैबिनेट ने अपना अप्रूवल दिया है कुशीनगर एयरपोर्ट जो कि ऑलरेडी उत्तर प्रदेश में एग्जिस्ट करता है, इसको अभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा मिला है। तो अभी देखिए कुशीनगर जो प्लेस है यूपी की वो किस लिए, किस तरह से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो कुशीनगर जो है एक इम्पोर्टेंट बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज है, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बुद्धा ने अटेंड किया था महापरिनिर्वाणा। ये क्या है महापरिनिर्वाणा, महापरिनिर्वाणा बुद्धिज्म में ये बताया गया कि ये अल्टीमेट स्टेट ऑफ निर्वाणा है। अब ये अल्टीमेट स्टेट ऑफ निर्वाणा क्या है, जो एवर लास्ट होगा, हाईएस्ट पीस होगी और हैप्पीनेस होगी, ये वो वक्त होगा जब इंसान फिजिकली डेथ स्टेज में आ जाएगा, ये स्टेट को कहते हैं महापरिनिर्वाणा, यानी डेथ ऑफ बुद्धा यहाँ पे हुई थी, कुशीनगर में हुई थी, ये इसीलिए बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज साइट है। और ये बुद्धिस्ट सर्किट का अभी हमने जाना कि वेरियस सर्किट्स बने हुए हैं, तो ये बुद्धिस्ट सर्किट की एक प्लेस है कुशीनगर। इसके अलावा भी ये प्रोमिनेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स है ये सिटी में, महापरिनिर्वाणा स्तूपा और टेंपल जो कि 1500 ईयर ओल्ड रिक्लाइनिंग बुद्धा के नाम से जाना जाता है ये टेंपल को, और ये क्या है मुक्ता बंधन स्तूपा है,
वहां पे जो रिप्रेजेंट करता है बुद्धा का क्रीमेशन साइट। क्रीमेशन साइट यानी जहाँ पे लास्ट राइट्स परफॉर्म किए जाते हैं, जैसा कि मुस्लिम्स में होता है दफनाना, हिंदूस में होता है जलाना, तो बुद्धिज्म के क्रीमेशन साइट है ये मुक्ता बंधन स्तूपा, वो भी कुशीनगर में है। और जो साइट है ये कुशीनगर की, ये पहली मर्तबा आइडेंटिफाई की गई थी सर अलेक्जेंडर कनिंगहम के द्वारा, जो 1877 में ये आइडेंटिफाई करते ये साइट को। और अलेक्जेंडर कनिंगहम के बारे में एक बात बता दूं मैं, ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के फर्स्ट डायरेक्टर जनरल हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे इम्पॉर्टेंट बुद्धिस्ट साइट्स है, जो जैसा कि लुम्बिनी का बुद्धास बर्थ प्लेस हो गया, बुद्ध गया जहाँ पे बुद्धा को एनलाइटनमेंट मिला था, नॉलेज ज्ञान प्राप्ति हुई थी, सरनाथ वेर बुद्धा गेव फर्स्ट सरमन, ठीक है पहली स्पीच बुद्धा की जहाँ हुई थी वो सारनाथ है, ठीक है। कपिलवस्तु क्या है, बुद्धा ने अपना बचपना गुजारा था। कौसंबी वेर बुद्धा डिलीवर्ड मेरी सरमन्स, सबसे ज्यादा सरमन्स जो बुद्धा के थे वो कौसंबी शहर के हैं। सनकीसा लॉर्ड बुद्धा इज बिलीव टू हैव डिसेंडेड हियर आफ्टर गिविंग सरमन टू हिज मदर इन हीवन, ठीक है। सनकीसा जो है ऐसा बताया जाता है कि लॉर्ड बुद्धा जो है, इस तरह से बिलीव किया जाता है कि लॉर्ड बुद्धा हेवन में अपनी माँ को सरमन देने के बाद में सनकीसा में भेज दिए गए थे, ठीक है। श्रवस्ती वेर बुद्धा शोड हिज डिवाइन प्रवस पावर्स, आना है ये डिवाइन पावर्स टू इम्प्रेस अपॉन द नॉन बिलीवर्स एंड डिलीवर्ड इम्पॉर्टेंट सरमन्स। जो बुद्धिज्म के ऊपर यकीन नहीं था वो लोग को यकीन दिलाने के लिए बुद्धा ने अपने डिवाइन पावर्स का इस्तेमाल किया। नेक्स्ट आर्टिकल अर्बन पुअर। देखिए जो हमारे अर्बन इनफॉर्मल वर्कर्स होते हैं, इनके ऊपर COVID-19 पैंडमिक वजह से क्या क्या इम्पैक्ट देखने को मिला है, वही ये आर्टिकल में डिस्कस किया गया है। ये आर्टिकल का पूरा फोकस इश्यूज है जो अर्बन पुअर फेस कर रहे हैं, चाहे वो माइग्रेशन हो या कोई दूसरे कारण से इनको प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल रही है। अब मैं बात करता हूँ इंडिया के अर्बन पॉपुलेशन के बारे में। देखिए इंडिया की अर्बन पॉपुलेशन जो है वो बढ़ ही जा रही है। 25 मिलियन थी 1901 में, अब कितनी है 2011 में 377 मिलियन है। जस्ट इमेजिन, अभी 2020 चल रहा है, अभी ये और बढ़ गए होंगे आंकड़े। ये 377 मिलियन हमारे इंडिया की पॉपुलेशन का 31.2% हिस्सा है। देखिए जो अर्बन एरिया है वो फेल हो गए हैं कि बढ़ती हुई आबादी के साथ इनके डिमांड्स को किस तरह से फिलअप करें हम, ये फेल हो गए हैं। अब इनमें जो डिमांड है जो रेज हो रही है और पॉपुलेशन जो रैपिडली बढ़ रही है, और इनके डिमांड को पूरा करने के लिए जो सप्लाई की आवश्यकता है उसमें बहुत ज़्यादा गैप आ रहा है, लार्ज गैप देखने को मिल रहा है। चाहे हम बेसिक एमिनिटीज़ की क्यों ना बात करें, लेट इट बी हाउसिंग या फिर ड्रिंकिंग वाटर या सीवरेज या फिर ट्रांसपोर्टेशन ले लें आप, इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो अर्बन एरिया में अर्बन पॉपुलेशन फेस कर रहे हैं, खास तौर पे अर्बन पुअर्स। दो कमेटी की बात की गई है यहाँ पे, एक है टेंडुलकर कमेटी और दूसरी है रंगाराजन कमेटी। इन्होंने बताया कि रूरल पॉवर्टी लाइन किस तरह से होनी चाहिए। देखिए जो बेसिक नीड्स की बास्केट जो होती है, जो भी हम डेली तौर पे जो सामान यूज़ करते हैं, चाहे वो साबुन क्यों ना हो या टूथब्रश क्यों ना हो, ये सारे चीज़ें अगर कैलकुलेट कर लें तो रूरल एरिया के हिसाब से 816 होना चाहिए, अर्बन एरिया में कम से कम 1000, ये बेसिक नीड्स को कम करने के लिए 1000 पैसे होना चाहिए, तब जाके बेसिक नीड्स कम पूरी होंगी, करेक्ट। लेकिन अब क्या हो रहा है, देखिए ये तो ऑब्वियसली होगा ना, रूरल एरिया वालों के नीड्स कम होते हैं, जैसा कि ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है लोगों के पास, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन खाली मिनिमम डिस्टेंस के लिए कम पैसे लगेंगे, यहाँ पे ज़्यादा लगेंगे, यहाँ पे जीरोक्स वगैरह नहीं कराते, यहाँ पे जीरोक्स कराते, तो बेसिकली आंकड़ा थोड़ा है ऐसे ही, 816 यहाँ पे, 1000 यहाँ पे है। अब ऐसे 25.4% लोग ऐसे है अकॉर्डिंग टू टेंडुलकर कमेटी जो ये 816 का आंकड़ा टच करते हैं, बाकी पूरे पुअर हैं, समझ लें आप। जो पॉवर्टी है, पॉवर्टी लाइन किसके आधार पे, कट ऑफ क्या बताया गया है यहाँ पे, कट ऑफ बताया गया है 816 रुपीस। सिर्फ 25.4% ऐसे लोग हैं जो इसके आगे बढ़ते हैं, पॉवर्टी लाइन के आगे आते हैं, बाकी के पूरे क्या है, पॉवर्टी लाइन के बिलो में आते हैं। सिमिलरली अर्बन एरिया में क्या है, ये अर्बन एरिया में अगर ये 1000 है तो सिर्फ 13.7% लोग ये पॉवर्टी लाइन के ऊपर है, बाकी के पूरे नीचे है।
अगर ऑल ओवर इंडिया की हम बात करें तो ये है 21.9% लोग पॉवर्टी लाइन के ऊपर है, बाकी पूरे नीचे है। अकॉर्डिंग टू रंगा राजन कमेटी ये 970 रुपीज है और अर्बन पॉवर्टी लाइन है 1407, ठीक है 972 यहाँ पे है, 1407 यहाँ पे है। तो इस तरह से आंकड़े बताए गए हैं 2011 और 12 के एस्टीमेट से, ये पर कैपिटा पर मंथ के हिसाब से। नाउ जस्ट इमेजिन कितने लोग हैं, 25.4% अकॉर्डिंग टू तेंदुलकर कमेटी और 30.9% अकॉर्डिंग टू रंगा राजन कमेटी, बाकी सब के सब बिलो पॉवर्टी लाइन में आते हैं। देखिए गवर्नमेंट ने अर्बन पुअर की हेल्थ को, मतलब इनके इकोनॉमिक कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या इंटरवेंशंस किए हैं। पहले तो देखिए हम मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन की बात करें, ये एक नोडल एजेंसी है सेंट्रल लेवल की। सेंटर ने इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि जितने भी डेवलपमेंट के लिए काम होंगे अर्बन पुअर के लिए, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, महोपा की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ये। और इन्होंने वेरियस स्कीम्स चलाए हैं इनके इश्यूज को, इनके वल्नरेबिलिटीज को एड्रेस करने के लिए, कि इनके वल्नरेबिलिटीज अर्बन पुअर के, इनके घर की समस्या को हल करने के लिए। वो देखिए हमने चलाई थी प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, यहाँ पे 2022 तक ये वादा किया गया है कि पक्का हाउस दिलाया जाएगा, और ये स्कीम लॉन्च की गई है महोपा के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन के द्वारा। ये मिशन चलाने का मकसद यही है कि जितने भी हाउसिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगे अर्बन एरिया के या फिर स्लम डिवेलर्स के, ये सारे एड्रेस किए जाएंगे ये मिशन के अंतर्गत। इसके बाद में रिसेंटली गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है स्कीम जिसका नाम है डेवलपिंग ऑफ अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस, अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस फॉर अर्बन माइग्रेंट्स और पुअर। यहाँ पे अर्बन माइग्रेंट्स जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट को ट्रैवल करते हैं, माइग्रेट करते हैं इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड, यहाँ जाके ये लोग काम करते हैं। अब यहाँ पे ये लोग रहेंगे कहाँ पे, किराए के घर में रहना पड़ेगा तो उसकी भी चिंता नहीं है। अब गवर्नमेंट ने अफोर्डेबल रेंटिंग हाउसेस कॉम्प्लेक्सेस लॉन्च किए हैं, यहाँ पे मिनिमल छोटे से छोटा किराया लिया जाएगा इनके रहन सहन के लिए, और इनके इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटीज एड्रेस करने के लिए भी बहुत सारे स्कीम्स चलाए गए हैं जिनमें से थोड़े मैं आपको बताता हूँ। देखिए एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसको अगेन इम्प्लीमेंट करवा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन, ये मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट करवा रही है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जिसका नाम है दीनदयाल अंत्योदया योजना, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन डे NULM कहते हैं। किस लिए चलाई गई है ये स्कीम, रिड्यूस करना है पॉवर्टी एंड वल्नरेबिलिटी जो भी फेस कर रहे हैं अर्बन पुअर्स हाउस होल्ड्स के लिए, सिंस 2013 इनकी समस्या दूर करने की बात की जा रही है। 2013 से जो भी अर्बन पुअर्स वल्नरेबिलिटी का शिकार है या पॉवर्टी का शिकार है, इनके जो भी दुख दर्द है उसको ख़त्म करने की बात की जा रही है। ये मिशन कवर करेगा जितने भी स्टैट्यूटरी टाउन्स होंगे इन सबको, और ये डिसाइड किए जाएंगे स्टेट की ओर से और लोकल नीड की मदद से स्टेट डिसाइड करेगा कि किन किन को घर देना है, क्या कैसा करना है इम्प्लीमेंट, ठीक है। नेक्स्ट, स्ट्रीट वेंडर्स प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट 2014, इसका एम ये है प्रोटेक्ट करना है राइट्स जो भी होते हैं अर्बन स्ट्रीट वेंडर्स के, और रेगुलेट करना है स्ट्रीट वेंडिंग एक्टिविटीज। वेंडर्स किसको बोलते हैं, जो आप देखते हो फुटपाथ पे जो लोग बेचते हैं बंडियां लगा के फ्रूट्स तरकारी एक्सेट्रा, ये लोग को बोलते हैं स्ट्रीट वेंडर्स, कि इन लोगों के जितने भी समस्या हैं वो सब रेगुलेट किए जाएंगे, इन सबको दूर करने की कोशिश की जाएगी ये एक्ट के द्वारा, ठीक है। अभी तक 33 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को नोटिफाई कर दिए गए हैं ये स्कीम ऐसा चलाना है, इस तरह से इसको इम्प्लीमेंट करना है, और मेघालय सिर्फ एक्सेप्शन है यहाँ पे, क्योंकि मेघालय के खुद के अपने ओन स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट है। नेक्स्ट है सोशल वल्नरेबिलिटी को एड्रेस करने के लिए हमने क्या किया है। देखिए सोशल वल्नरेबिलिटी को एड्रेस करने के लिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना, ये स्कीम चलाए गए हैं। मकसद एक ही है, मकसद क्या है, टू ब्रिंग अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स एंड पुअर अक्रॉस द कंट्री
इंक्लूडिंग रूरल एरियाज अंडर द सेफ्टी नेट ऑफ इंश्योरेंस एंड पेंशन. जितने भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स है और जितने भी गरीब है हमारी कंट्री में, चाहे वो रूरल एरिया से हो या फिर अर्बन एरिया से हो, इन सभी को इंश्योरेंस और पेंशन दोनों को एश्योर करे जाएंगे. इंश्योरेंस और पेंशन इन सभी सभी को मिलेंगे, ठीक है. और मोर रिसेंटली प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन, ये एक पेंशन स्कीम है फॉर अनऑर्गेनाइज वर्कर्स, इसको भी रिसेंटली लॉन्च किया गया है. नेक्स्ट आर्टिकल, राइन नदी. राइन नदी स्विट्जरलैंड के आल्प्स पहाड़ से निकलती है और वेरियस कंट्रीज को ट्रैवल करते हुए नॉर्थ सी में जा गिरती है. देखिए, जो राइन रिवर है वो लगभग 1232 किलोमीटर्स लॉन्ग है और ये यूरोप की वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर है. ये न्यूज़ में इसीलिए है क्योंकि 20 साल से ये नोटिस किया जा रहा है कि इनके वाटर लेवल्स, राइन नदी के वाटर लेवल्स, वो गिरते जा रहे हैं. अभी यूरोप एंटर करने वाला है ड्राई समर मंथ्स में और शायद ऐसा हो सकता है कि इनके वाटर लेवल्स और ज़्यादा गिर जाए नीचे. जैसा कि मैंने कहा, राइन नदी एक वन ऑफ द मेजर यूरोपियन रिवर है जो स्विट्जरलैंड से स्टार्ट होती है और नॉर्थ सी में जाती है, नॉर्थन डायरेक्शन में. देखिए, ये लगभग 1232 किलोमीटर से और स्विस के आल्प्स पहाड़ से निकलती है. इसको डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट नाम से जाना जाता है, जैसा कि जर्मनी में रीन कहते हैं इसको, फ्रांस में राइन कहते हैं और नीदरलैंड्स में रीन कहते हैं. ये 6 कंट्रीज में ट्रैवल होती है, जैसा कि स्विट्जरलैंड से निकलती है ये, प्रिंसिपैलिटी ऑफ लिखटेनस्टाइन ऑस्ट्रिया की जो है, वहाँ से होते हुए जर्मनी, फ्रांस, फिर नीदरलैंड्स और फाइनली नॉर्थ सी में, जो कि रॉटरडेम में है, वहाँ पे जा मिलती है. और जब ये जर्मनी में एंटर करती है तो ये एक बॉर्डर बना लेती है फ्रांस के साथ. जर्मनी और फ्रांस का बॉर्डर राइन रिवर है. नेक्स्ट आर्टिकल, प्रिसिना ग्लेशियर कंजर्वेशन. देखिए, ग्लोबल वार्मिंग में क्या होगा, जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघलना स्टार्ट हो जाएंगे, डीग्लेशिएशन स्टार्ट हो जाएगा उसका. अब ये ग्लोबल वार्मिंग से ये ग्लेशियर्स को बचाने के लिए, क्योंकि देखिए वाटर सी लेवल बढ़ जाएगा, फिर बाद में फ्लड्स आएंगे, इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं, तो इसको बचाया कैसा जाए, इसके लिए इटली में जो कंजर्वेशनिस्ट है इन्होंने ये प्लान किया है कि टर्पोलिन शीट बनाया जाएगी जो 1,00,000 स्क्वायर मीटर बड़ी होगी. ये काफ़ी होगी प्रिसिना ग्लेशियर को कवर करने में. जो प्रिसिना ग्लेशियर है वो इटली में आता है, ये देखिए इटली, यहाँ पे ये ग्लेशियर आता है प्रिसिना ग्लेशियर, इसको कवर करने के टर्पोलिन शीट्स बनाए जा रही हैं. ऐसा नहीं है कि ये पहली मर्तबा हो रहा है, इससे पहले भी कंजर्वेशन प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था. जो फर्स्ट कंजर्वेशन प्रोजेक्ट था वो इटली की एक फर्म कैरोसेलो टोनाले, इसने लिया था 2008 में. लेकिन जब 30,000 स्क्वायर मीटर्स की टर्पोलिन बनाई गई थी ग्लेशियर को कवर करने के लिए, अभी जो है वो 1,00,000 स्क्वायर मीटर की टर्पोलिन शीट होगी. और बैग्स ऑफ सैंड भी बनाए जाएंगे जो कि पेपर वेट जैसा काम करेंगे. ये टर्पोलिन शीट को हवा के जरिए, जो उड़ती है, हवा आने के बाद कोई भी शीट उड़ जाती है, तो उसको बचाने के लिए हमने बैग्स ऑफ सैंड भी बनाए हैं. टर्पोलिन शीट रिफ्लेक्ट करेगी सनलाइट और मेंटेन करेगी, जो लोअर टेम्परेचर होगा ग्लेशियर को पिघलने नहीं देगा वो टेम्परेचर मेंटेन करके रखेगी. और इसी तरह के जो कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स हैं वो ऑस्ट्रियन के ग्लेशियर्स पे भी चलाए गए हैं, सेम टर्पोलिन्स यूज करते हुए. प्रिसिना ग्लेशियर देखिए ये कहाँ पे सिचुएटेड है, ये ट्रेंटिनो एंड लोम्बार्डी रीजन्स में सिचुएटेड है जो कि नॉर्थन इटाली में आते हैं. और जो ग्लेशियर ये है, प्रिसिना ग्लेशियर, ये प्रिसानेल्ला माउंटेन्स का एक पार्ट है. तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है. थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन.